NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है. मेरे साथ हैं सांसद संजय जायसवाल जी, जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर पहुंचे हैं. तीसरी बार चुनाव जीतकर पहुंचे हैं और बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीते हैं. अब पूछते हैं इनसे कि क्या ये उम्मीद थी कि इतनी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे? क्या सर, ये मार्जिन का आपने सोचा था कि मार्जिन होगा? 1.5 से 2 तक की मार्जिन तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अच्छा है जो ये सुनामी चल रही थी माननीय मोदी जी की, इसमें जो किया हो पर जनता केवल एक व्यक्ति को वोट दे रही थी और सारी फसल मोदी जी ने तैयार की थी और कार्यकर्ताओं ने उसको अच्छे से काट करके अपने घर तक पहुंचा दिया. लेकिन जो आपके समाज के लोग हैं, आप लगातार सांसद बनते रहे हैं, आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, तो वो बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी सरकार में. नहीं, मैं कल बेतिया जा रहा हूँ. मेरा काम था कि कल पार्लियामेंट्री मीटिंग में सपोर्ट करना. हम लोग आए और सेंट्रल हॉल में बैठ के माननीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री के लिए संपूर्ण समर्थन दिया. और कल मैं वापस घर जा रहा हूँ अपने लोगों के बीच और कल परसों 2 दिन मैं क्षेत्र में ही रहूँगा. इस बार चुनाव का क्या सबसे बड़ा मुद्दा था जो जिसे आप सुनामी बता रहे हैं? पहली बार मैं कम से कम 13-14 चुनाव तो देख चुका हूँ और बहुत अच्छे से काम कर चुका हूँ 14 चुनाव में. पहली बार था कि नॉमिनेशन से पहले गांव के आखिरी टीले पर जो झोपड़ी थी वह भी कहता था कि नहीं, इस बार तो मोदी जी को वोट देना. और उसका सबसे बड़ा कारण था कि हर घर को जो बिजली, शौचालय, गैस मिला था उससे हर घर सीधे लाभान्वित हुआ था और जिसका फ़ायदा हमें चुनावों में मिला. लेकिन आप लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं तो आपसे उम्मीद भी बहुत जनता की है, अपेक्षाएं बहुत, आप कैसे उस पर उतरेंगे खरा? केंद्र सरकार की तो जो भी योजनाएं थी मैं कराने में सफल हो चुका हूं इसी सरकार में ही. अभी अगला लक्ष्य है कि 2 महीने पटना बैठना और बिहार सरकार में जितनी हमारे क्षेत्र की पेंडिंग योजनाएं हैं सबसे पहले मैं उनको पूरा करूंगा, उसके बाद ही मैं केंद्र का कोई काम शुरू करूंगा. तो जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि जो भी पेंडिंग योजनाएं हैं बिहार सरकार के पास उसको पूरा कराएंगे? बिल्कुल, अपनी सरकार है और सौभाग्य से जनता की जो सबसे 2 मूलभूत ज़रूरतें हैं, सड़क और स्वास्थ्य, दोनों हमारे मंत्रियों के पास है. बहुत दोनों का हमें समर्थन भी मिला है और किसी स्तर पे वो सब पहुंच चुकी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सड़कें मूर्त रूप नहीं ले सकी और चुनाव में जनता ने उसके बावजूद मुझे इतना समर्थन दिया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जिनकी घोषणाओं को हम लोगों ने पहले कर दिया, सबसे पहले उन सबों को बरसात के पहले ज़मीन पर दिखा दें, फिर कोई नया काम शुरू करेंगे. हेल्थ के सेक्टर में कुछ खास आप सोचे हैं कि अपने क्षेत्र के लिए करें? मेरे क्षेत्र में सुशील जी का मैं आभारी हूँ. 2011 में मेरे सांसद रहते उन्होंने 700 करोड़ दिया था और माननीय तेज प्रताप जी जब तक मंत्री थे एक ईंट भी उसमें नहीं जुड़ सकी. जिस दिन मंगल पांडे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हुए, आज चल के देखिए 28 बिल्डिंग मेरी 5 मंजिल तक खड़ी हो चुकी है और बेतिया में इतना बड़ा अस्पताल मैं बिहार सरकार के सहयोग से हम लोग सब मिलके बना रहे हैं, जो कि चंपारण के स्वास्थ्य में सबसे बड़ा परिवर्तन. डॉक्टर संजय जायसवाल से तो ज़्यादा उम्मीद है कि सेहत को सुधारेंगे बेतिया का. बिल्कुल, डॉक्टर संजय जायसवाल ही थे कि बिना तेज प्रताप जी के एक ईटा रखे 5 साल से मैं मेडिकल कॉलेज चला रहा हूँ. नहीं तो जिस मेडिकल कॉलेज में एक ईंट नहीं जुड़ी हो और 5 साल से वहाँ विद्यार्थी पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेरा डॉक्टर होने की भूमिका उसमें ज़रूर है. तो डॉक्टर साहब बहुत कुछ करेंगे, आप आश्वस्त रहिए. अगर इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए. धन्यवाद. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट.